तो गाइस यार आप लोग को तो पता ही है ये हमारा प्यारा जू है और गाइस लिटरली में अपने जू में सोने का मजा कुछ और ही है। और आप सभी को बता दूं हमारे जू में गाइस बहुत सारे जानवर हैं जैसे कि लायन टाइगर और काउज बाकी बहुत जानवर हैं। वैसे आप सब तो जानते होंगे मेरा जू कितना ज्यादा बड़ा है और पूरे लॉस एंजेलिस में एक ऐसा लौता जू है जो मेरा ही है। ऑल राइट गाइस तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से जू में। तो चलो आप सभी को दिखाता हूँ मेरा जू। वेट ये बॉल किसकी है? ये बॉल पता नहीं गाइस यहाँ पे लोग आते हैं और अपने सामान छोड़ के चले जाते हैं। चलो ये देखो सामने हमारी प्यारी प्यारी काउज हैं जो बहुत ज्यादा प्यारी हैं। लिटरली में गाइस इतनी प्यारी है ना क्या ही बताऊं। वो देखो ये खाना खा रही है और वो भी खाना खा रही है और वो घूम रही है। लिटरली में गाइस हमारे पास जो जानवर है ना बहुत प्यारे प्यारे हैं। और ये देखो छोटे मोटे पिग बहुत ज्यादा मोटे भी नहीं है लेकिन हाँ बाद में मोटे हो जाएंगे बहुत ज्यादा खाते हैं। चलो अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं सिंचैन एंड चॉप काफी देर से ना मुझे नजर नहीं आ रहे। शायद वो बाहर खेल रहे हो या कुछ खा रहे हो। वैसे भी गाइस हमारे जू के आगे बहुत सारे स्टॉल हैं क्या पता कुछ खा रहे हो। लिटरली में ये लोग पैसे भी नहीं देते और भाग जाते हैं फिर बाद में मुझे पैसे देने पड़ते हैं। सिंचैन एंड चॉप कहाँ गई ये दोनों। वैसे भी गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम है और हमारा जू पूरी तरह खाली है बाद में भर जाएगा। और ये देखो ये है हमारा टिकट काउंटर यहाँ से टिकट लेते हैं और उसके बाद सीधा अंदर। वो देखो गाइस सिंचैन एंड चॉप वहाँ पर है और यहाँ पे स्टॉल है यहीं पे खाते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। चलो देखते हैं वहाँ पे इतने सारे लोग सिंचैन एंड चॉप से क्या बात कर रहे हैं। सिंचैन चॉप क्या हो गया यार? अरे फ्रैंकलिन भैया ये अंकल सब तो बहुत प्रॉब्लम में हैं और ये हमसे मदद लेने आए हैं यार। एक मिनट हमसे वो भी मदद? गाइस हम कौन सी मदद कर सकते हैं आप सभी की? सर आप ही हैं क्या फ्रैंकलिन? हाँ मैं ही हूँ फ्रैंकलिन बोलिए क्या हो गया? सर हम लोगों ने अपने लॉस एंजेलिस में घर के आसपास में क्रोकोडाइल्स देखा है और जब से हम लोगों ने क्रोकोडाइल्स देखा है उस वक्त से हम लोगों ने अपने अपने घर छोड़ दिए हैं। वो हमारे एरिया में दिखे थे और हाँ वो एक नहीं दो से तीन हैं और बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं और बहुत ज्यादा डेंजर भी हैं। वेट गाइस क्रोकोडाइल वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं? हाँ हाँ वही क्रोकोडाइल। अरे सर बचा लीजिए उन्होंने एक बार हमें पकड़ लिया तो हमारी चटनी बना देंगे वो लोग। अरे यार कुछ नहीं हो गया अंकल आप इतना डरे मत। फ्रैंकल भी आपको क्या लगता है हम लोग इस काम में क्या कर सकते हैं यार? वेट गाइस क्रोकोडाइल पकड़ना कोई आम बात नहीं सिंचैन लिटरली में वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाँ सर वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और जब से हम लोगों ने अपने एरिया में उसको देखा है जब से हम लोग वहाँ से भाग गए हैं और तो हमने अपने घरों को भी छोड़ दिया है क्या पता वो हमारे घर में घुस जाए उसके बाद वो हमें छोड़े ना। वेट गाइस लिटरली में ये क्रोकोडाइल वो भी लॉस एंजेलिस के अंदर कैसे घुस गए? गाइस आप लोग चाहते हो कि मैं उन क्रोकोडाइल्स को पकड़ूं तो आप लोग फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो और हाँ कमेंट में लिख दो क्रोकोडाइल। और वेट गाइस अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्रोकोडाइल को कैसे पकड़ूं यार। वैसे गाइस आप सभी को बता दूं मैं उन क्रोकोडाइल से बहुत ज्यादा डरता हूं। वैसे भी गाइस वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। अरे सर आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं प्लीज सर एक बार उन क्रोकोडाइल को हमारे एरिया से भगा दीजिए। अंकल मैं तो क्रोकोडाइल को नहीं पकड़ सकता है लेकिन फ्रैंकल भैया ही पकड़ सकते हैं ये बात तो आपको फ्रैंकल भैया से ही बोलनी चाहिए। फ्रैंकल भैया मुझे लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए यार। हाँ सर एक बार मदद कर दीजिए। ठीक है मैं आप सभी की हेल्प कर दूंगा लेकिन हाँ मेरे को बदले में ना एक चीज चाहिए यार। बोलिए क्या चाहिए आपको? बस एक छोटी सी चीज फटाफट से ना वीडियो में लाइक करवा दो और चैनल में सब्सक्राइब करवा दो उसके बाद में पक्का वो सारे क्रोकोडाइल पकड़ के ले आऊंगा यार। हाँ अंकल इतने तो कर ही दो। हाँ फ्रैंकल भैया सही बोला आपने अंकल करवा दो। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उन सभी जंगली क्रोकोडाइल को फ्रैंकलिन सर पकड़ के ले आए। ठीक है गाइस अभी वेट करते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब का। और ये देखो इतनी जल्दी लाइक एंड सब्सक्राइब हो भी गया। चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और हाँ आपके इलाके से
वो सारे क्रोकोडाइल्स मैं पकड़ के ले आऊंगा। और गाइस लिटरली में वो क्रोकोडाइल्स लॉस एंड्रोस के अंदर कैसे आ गए, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहर नहीं है और कोई भी नदी नहीं है। और गाइस आसपास में फिलहाल तो मुझे लगता नहीं है कि क्रोकोडाइल होंगे, वो बहुत दूर से आए होंगे। चलो मैं जाता हूँ और देखता हूँ वो क्रोकोडाइल्स कहाँ पर हैं। और हाँ, जब तक के लिए आप लोग मेरे जू का ध्यान रखिएगा, क्यों शिनचैन, मैंने सही बोला ना? हाँ फ्रैंकल भाई, सही बोला आपने। गाइस क्रोकोडाइल वो भी कितने खतरनाक दिखते हैं, बड़े बड़े दांत, तगड़े से आंख। हाँ शिनचैन, मैं तो वैसे भी डरता हूँ गाइस। फिलहाल गाइस मुझे ना अभी पता चल गया है कौन से इलाके में क्रोकोडाइल्स को लास्ट टाइम देखा गया है। चलो जाते हैं और देखते हैं वो क्रोकोडाइल्स कहाँ से और कैसे वहाँ पहुँच गए हैं। शिनचैन सोच ले, वो क्रोकोडाइल्स हैं। मैंने कब बोल दिया फ्रैंक भैया कि वो और कुछ है? गाइस मुझे भी पता है वो क्रोकोडाइल है। एंड गाइस आप सभी को पता है क्या है कि क्रोकोडाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ शिनचैन मुझे तो पता है। चुप, तुझे कुछ नहीं पता। गाइस अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि क्रोकोडाइल को हिंदी में क्या कहते हैं यार। वेट गाइस, एक बार चुप ने भी बोला कि उसको पता है। चुप तू बता कि क्रोकोडाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? क्रोकोडाइल को मगरमच्छ कहते हैं फ्रैंकल भैया। वेरी गुड गाइस, शॉप को तो पता है। चलो ठीक है, वो देखो ट्रेन, जो सुपर फास्ट ट्रेन है। गाइस ये ट्रेन भी ना लॉस एंड्रोस की तरफ जा रही है और हम लोग भी बाय रोड लॉस एंड्रोस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम थोड़े स्पीड में जाएंगे। तो लेट्स गो गाइस। थोड़ा आराम से फ्रैंकल भैया, ट्रेन को देखते हुए चलते यार। शिनचैन ये टाइम ट्रेन को देखने का नहीं है, समझ गया? गाइस अभी हमें यहाँ से फटाफट जाना है और लॉस एंड्रोस में, वहाँ पे यार मगरमच्छ को पकड़ना भी तो है। अगर मगरमच्छ ने किसी को पकड़ लिया तो वो किसी को छोड़ेगा नहीं यार। हाँ गाइस, मगरमच्छ ना बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और हाँ, उनके जो दांत होते हैं बहुत बड़े बड़े और नोकीले होते हैं। किसी को एक बार पकड़ लिया ना गाइस, उसके बाद तो उसको छोड़ते नहीं है। वैसे भी ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो चलो अभी फिलहाल मैं लॉस एंड्रोस पहुँचने वाला हूँ और सामने देखो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वही है गाइस हमारा लॉस एंड्रोस। और यहाँ से एक छोटा सा शॉर्टकट और उसके बाद गाइस हमारी एंट्री हो चुकी है लॉस एंड्रोस के अंदर। लेट्स गो गाइस, अभी हमें वहाँ जाना है जहाँ लास्ट टाइम मगरमच्छ को देखा गया था। तो चलो फ्रैंकल भैया फटाफट चलते हैं हम लोग वहाँ पर यार। ठीक है, एक मिनट शिनचैन, बस हम लोग पहुँच गए। फिलहाल गाइस लास्ट टाइम ना मगरमच्छ को यही आस पास में देखा गया था। और हाँ, आप सभी को बता दूँ टोटल 4 या 3 मगरमच्छ हैं जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। शिनचैन लास्ट टाइम मगरमच्छ को यहीं देखा गया था। अभी मुझे लगता है ना हर घर में जा जाके मुझे देखना चाहिए कि मगरमच्छ उनके घर के अंदर तो नहीं घुस गया। सबसे पहले गाइस यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। अरे क्या हो गया आपको, आप यहाँ क्यों रुक गए? एक मिनट, मुझे आपके घर की चेकिंग करनी है और मुझे ये देखना है कि आपके घर में कोई जंगली मगरमच्छ तो नहीं। क्या मगरमच्छ, हमारे घर में कोई नहीं रहता सर, यहाँ पे कोई मगरमच्छ नहीं है। एक मिनट, पहले मुझे चेक तो करना ही पड़ेगा। गाइस आसपास में मगरमच्छ होगा तो पक्का वो मेरे पे अटैक जरूर करेगा, और जैसे ही मेरे पे अटैक करेगा मैं भाग जाऊंगा। और वेट, यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है और स्विमिंग पूल के अंदर मगरमच्छ तो नजर नहीं आ रहा। वैसे भी गाइस वो बड़े मगरमच्छ है, छोटे मगरमच्छ होते तो नजर नहीं आते, लेकिन वो तो बिना अंदर जाए भी हमें दिख सकते हैं। और देखो पूरा पूल खाली है। शिनचैन पूल में तो नहीं है, कहीं और चेक करते हैं, क्या पता घर के किसी और कोने में छुप के कहीं बैठे हो। तो गाइस एक काम करते हैं, उस साइड जाके देखते हैं, क्या पता मगरमच्छ उधर हो। फ्रैंकल भी है, नहीं नहीं क्रोकोडाइल तो भी स्विमिंग पूल में ही होंगे, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही है उन जानवरों को ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल सही शिनचैन, गाइस क्रोकोडाइल्स ना बाहर भी रहते हैं पानी के और ज्यादातर पानी के अंदर। फिलहाल तो ये पूरा घर ना बंद है और लिटरली में गाइस यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। और वैसे भी इस घर के आगे एक गार्ड भी है, तो कोई अंदर जाएगा तो इस गार्ड को तो पता चल जाएगा। सुनो, आस पास में क्रोकोडाइल दिखे तो पक्का मुझे बता देना, और ये लो मेरा नंबर 058, ठीक है ना? ठीक है सर, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कॉल कर दूंगा फटाफट से। ऑल राइट गाइस, अभी फिलहाल यहाँ तो इस घर में गेट लगा है, और वेट इस घर में मेन गेट नहीं है। शिनचैन यहाँ तो कोई आराम से जा सकता है, मुझे लगता है ना एक बार हमें इस घर में भी चेक करना चाहिए क्रोकोडाइल यहाँ पे है या नहीं है यार। फ्रैंकल भैया इस घर में तो गेट ही नहीं है, यहाँ तो कोई भी घुस जाएगा,
क्रोकोडाइल छोड़ो, यहाँ तो एलिफेंट भी आ जाएगा फ्रैंकल भैया। बिल्कुल सही चॉप। गाइस इस घर का मेन गेट है ही नहीं, और मेन गेट नहीं है तो कोई भी कभी भी घुस सकता है। सिंचैन ध्यान से, क्या पता वो मगरमच्छ इस झाड़ियों के अंदर हो और सीधा हमारे पे अटैक कर दे। कोई है यहाँ पर? सही बात है फ्रैंकल भैया, गाइस क्रोकोडाइल कहीं भी छुप सकते हैं, उनको थोड़ी डर लगता है हमसे, उल्टा हमको डर लगता है उनसे। बिल्कुल सही। गाइस अभी मैंने यहाँ तो पूरा चेक कर लिया है, कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ना वो क्रोकोडाइल जहाँ से आए होंगे वो वापस वहीं पे चले गए हैं। सिंचैन आई थिंक वो सारे क्रोकोडाइल ना लॉस एंडो छोड़ के चले गए हैं। मुझे लगता है हमें वापस से जू में जाना चाहिए। सिंचैन आसपास में कुछ भी नजर नहीं आ रहा मेरे को तो। फ्रैंक भी ढूंढोगे तभी तो क्रोकोडाइल दिखेगा है, पहली हार मान चुकी हो गाइस। यार क्रोकोडाइल होंगे। सिंचैन ये देख पानी में गाइस, एक और दो, इतने बड़े बड़े क्रोकोडाइल। आपको क्या लगे था कि ये लॉस एंडोस में क्रोकोडाइल नहीं होंगे? लो दिख गए ना सामने। गाइस यार इतने बड़े बड़े क्रोकोडाइल, इनसे फाइट करना कोई मामूली बात नहीं सिंचैन। और हाँ पानी में मत जाइयो, जैसे तू पानी में गया वैसे ही गाइस ये लोग तो सीधा अपने मुंह से हमें दबा देंगे। लिटरल में गाइस इनके दांत देखो कितने बड़े बड़े हैं। सिंचैन मुझे तो देख के ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार। फ्रैंकल भी रियल क्रोकोडाइल है यार। गाइस आप लोग देख सकते हो कितने खतरनाक हैं ये दोनों। गाइस यार आप लोग चाहते हो कि मैं इन दोनों को पकड़ूं, तो फटाफट ना इसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। और सिंचैन इनका हाइट एंड वेट देख, कितने मोटे मोटे हैं और तो और कितने ज्यादा बड़े हैं। और गाइस आप लोग ने देखा इनके दांत कितने ज्यादा शार्प हैं। सिंचैन इनसे लड़ना मतलब मौत से लड़ना, लिटरली में गाइस मैं करूँ तो करूँ क्या यार। फ्रैंकल भी है, लेकिन हम क्रोकोडाइल को लेके कैसे जाएंगे, कार में? नहीं 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 सिंचैन, कार में तो नहीं, लेकिन हाँ गाइस मैंने कुछ सोचा है कि क्यों ना हम इसके लिए एक बहुत बड़ा व्हीकल लेके आए, और गाइस उसके बाद ना हम इन क्रोकोडाइल्स को उन बड़े बड़े व्हीकल्स में लेके चले जाएं। लेकिन गाइस सबसे पहले मुझे व्हीकल्स लाना पड़ेगा। सिंचैन एंड चॉप तुम दोनों यहीं पे रहना, इन क्रोकोडाइल्स को यहीं पे देखना, लेकिन जैसे ये बाहर जाएं इनको जाने मत देना, ठीक है ना? और मैं जाता हूँ और बड़े बड़े व्हीकल्स लेके आता हूँ, जिससे मैं इन क्रोकोडाइल्स को लेके आराम से जा सकूँ यार। हाँ फ्रैंकल भी है, ठीक है। गाइस यार बस ये बाहर ना आए, सिंचैन टेंशन ना ले, ओए अंदर ही रहना तुम लोग, वरना देखना अगर तुम लोग बाहर आए तो चॉप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चॉप अगर वो बाहर आए ना सबसे पहले तू ही भागेगा, ओए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अंदर ही रहो। गाइस बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। गाइस यार लिटरली में चॉप फालतू में भौंक रहा है, और एक बार वो क्रोकोडाइल बाहर गलती से भी आ गए ना तो पक्का चॉप का तो चटनी बन जाएगा, और चॉप हो जाएगा चॉप द चटनी। चलो सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, और आसपास में गाइस कितने सारे क्रोकोडाइल होंगे मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ जैसे ही मुझे और भी क्रोकोडाइल दिखेंगे तो उनको मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा। और हाँ इस गार्ड को बता देता हूँ कि इस बगल वाले घर में क्रोकोडाइल है। ए सुनो, बगल वाले घर में क्रोकोडाइल है, संभल के रहना, ठीक है ना? ओए बगल वाले घर में क्रोकोडाइल निकल गया, अरे थैंक यू सर जी। ऑलराइट गाइस अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, और जाता हूँ कोई ऐसी व्हीकल लेके आऊंगा जिसके अंदर पानी रख सके, और पानी के अंदर क्रोकोडाइल, क्योंकि गाइस क्रोकोडाइल ज्यादातर पानी में रहते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए आप लोगों ने देखा क्रोकोडाइल अभी भी स्विमिंग पूल के अंदर है। फिलहाल गाइस मैं जा रहा हूँ सिमोन के शोरूम, और गाइस मुझे पक्का पता है कि सिमोन ना कोई आइडिया जरूर देगा। और लिटरली में गाइस मुझे बहुत बड़ा ट्रक चाहिए जिसके अंदर बहुत सारा पानी हो। वो देखो पेट्रोल पंप में आपको वो ट्रक नजर आ रहा है, सेम वैसा ही। वेट क्यों ना मैं यही ट्रक चुरा लूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही फ्रैंकलिन, एक काम करता हूँ गाइस, सबसे पहले ना मैं उस ट्रक ड्राइवर को बेहोश करता हूँ, और उसके बाद इस ट्रक को ले जाऊंगा। और गाइस मैं आप सभी को बता दूं, मैं इसी ट्रक की बात कर रहा था जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, और इसके अंदर हम लोग आराम से मगरमच्छ लेके जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रक किसी और का है। सबसे पहले ना इसके ड्राइवर को बेहोश करना होगा, और उसके बाद ये ट्रक लेके मुझे जाना होगा, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा गाइस, बेशक ये ट्रक इसकी है। अरे और कितना टाइम लगेगा मेरा ट्रक बढ़ने में यार, बहुत टाइम लग रहा है। अरे ये किसने मारा मेरे को? सॉरी, लेकिन मुझे लॉस एंडोस की भलाई के लिए ये करना ही पड़ेगा। गाइस फिलहाल इस ट्रक का फ्यूल टैंक भी भर गया है, और इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन गाइस मुझे सबसे पहले
यहाँ से निकलना होगा और जल्द से जल्द सिनचैन एंड चॉप के पास पहुँचना होगा, क्योंकि गाइस कभी भी वो क्रोकोडाइल बाहर आ गए तो सिनचैन एंड चॉप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और लिटरली में एक बार चॉप और वो सिनचैन उनके पंजों में या उनके दांत में आ गए तो सीधा मिलेंगे उनके पेट में। लिटरली में यार बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलो अभी फटाफट से बहुत सारे शॉर्टकट मारता हूँ और पहुंचता हूँ सीधे सिनचैन के पास। तो लेट्स गो गाइस, फटाफट मिलते हैं सिनचैन के पास। वैसे गाइस मैं बहुत जल्दी जल्दी में और काफी ज्यादा स्पीड में इस ट्रक को लेके जा रहा हूँ। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूं, मैं पहुंचने वाला हूँ उस घर के पास जहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था क्रोकोडाइल। सिनचैन भी वहीं पर है, लेकिन वेट गाइस थोड़ा आराम से। और हाँ, निकल गई, मुझे लगा नहीं निकल पाएगी। ऑल राइट गाइस, मैं पहुंच गया हूँ वापस से उसी घर के पास जहाँ पे हमने लास्ट टाइम में देखा था क्रोकोडाइल। अभी इस ट्रक को ना मुझे स्विमिंग पूल के पास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद इसी ट्रक से मुझे बाकी सभी क्रोकोडाइल को इसके अंदर रखना पड़ेगा। चल चल, वापस तो जा नहीं रही, एक काम करता हूँ, यू टर्न मारता हूँ और बैक साइड से लेके जाता हूँ सिनचैन एंड चॉप। बस सेफ हो, एक मिनट, हट जाओ सामने से, पीछे से हट जाओ मतलब, चलो 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 और हट जाओ। चलो गाइस, अभी फिलहाल मैं गाड़ी को लेके पहुंच चुका हूँ स्विमिंग पूल के पास। फ्रैंकलिन भैया आप आ गए। गाइस मैं और चॉप तो भाई सब दूरी है इससे, देखना फ्रैंकलिन भैया ये लोग तो बार बार पानी के बाहर भी मुंह निकाल रहे थे यार। क्या कह रहा है सिनचैन, सही में क्या वो सांस लेने के लिए निकाल रहे होंगे? गाइस अब मेरा काम है, मेरे को अंदर जाना पड़ेगा और इन दोनों से फाइट करके इनको हरा के बाहर लेके आना होगा। सिनचैन ये बहुत ज्यादा मुश्किल वाला काम है, लेकिन मुझे लॉस एंड्रोस की भलाई के लिए ये करना ही पड़ेगा यार। फ्रैंकलिन भैया ठीक है फिर जाओ आप। गाइस चलो, फ्रैंकलिन भैया तो जा रहे हैं अंदर। अरे आराम से फ्रैंकलिन भैया। वेट गाइस, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। सिनचैन ये तो बड़े खतरनाक है यार। फ्रैंकलिन भैया डर क्यों रहे हो यार, डरने वाली क्या बात है? अरे आप बहुत ज्यादा ब्रेव हो। गाइस इनकी डरावनी आवाज, ये देखो ये तो मुंह खोल के बाहर आ गया। अरे डरो मत फ्रैंकलिन भैया, आप इतना डर क्यों रहे हो? अंदर जाओ और दिखा दो कि आप फ्रैंकलिन हो। फ्रैंकलिन यार, सिनचैन अब ये लोग गए। गाइस ये ले पंच और ये ले पंच। वाह फ्रैंकलिन भैया वाह, आप तो बहुत पावरफुल हो यार। गाइस यार ये लोग नहीं बचने वाले, लेकिन वाह वाह, लेकिन गाइस एक पंच मारूंगा और ये लो ये ले और ये लात ले और ये पंच ले। गाइस लिटरली में ये लोग मेरे हमला कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ऑल राइट गाइस, काफी ज्यादा मेहनत लगी और इन दोनों से फाइट करने में ना मेरी जान निकल गई, लेकिन मैंने लास्ट में इनको हरा ही दिया है। और हाँ, ये दोनों फिलहाल ना बेहोश हो गए हैं और मैंने इनको मार मार के बेहोश कर दिया है। सिनचैन जल्द से जल्द ये होश में आए, उससे पहले ना इनको हम लोग फटाक से इस गाड़ी के अंदर डालते हैं, क्योंकि गाइस इसके अंदर पानी है और बाद में ये लोग होश में आ जाएंगे। सिनचैन आजा मदद कर मेरी। हाँ फ्रैंक भैया दो मिनट, आजा चॉप उठवा यार। नहीं नहीं तू ही उठा। गाइस आपको बता दूं, ये क्रोकोडाइल सिर्फ आधे घंटे के लिए लेटे हैं, मतलब आधे घंटे बाद ये उसमें आ जाएंगे। ऑल राइट गाइस, सारे क्रोकोडाइल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और हाँ, अभी फिलहाल तो दो क्रोकोडाइल पकड़े गए हैं और मुझे पता चला है कि लॉस एंड्रोस में 3 से 4 क्रोकोडाइल आए। जो भी हो, अभी इन क्रोकोडाइल्स को यहाँ से निकलते हैं लेकर और उसके बाद बाकी को भी ढूंढते हैं। सिनचैन आजा बैठ जा फटाक से यार। हाँ फ्रैंकलिन भैया दो मिनट, अरे रुको ना गाइस, रुकूंगी फ्रैंकलिन भैया तभी तो बैठूंगा। फ्रैंकलिन भैया यार सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा था मुझे जब आप स्विमिंग पूल में गए थे। सिनचैन एंड चॉप, मैं बता दूं, मैं खुद बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन गाइस मैंने आखिरकार में उन सभी क्रोकोडाइल्स को हरा दिया। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। और हाँ गाइस, मुझे एक और लोकेशन पता है जहाँ पे क्रोकोडाइल्स को लास्ट टाइम देखा गया था, जो मुझे उन लोगों ने बताया था। एक बार वहां जाते हैं और वहां भी चेक करते हैं, क्या पता वो क्रोकोडाइल्स अभी भी वहीं पर हो और उन गलियों में घूम रहे हो यार। हाँ फ्रैंकलिन भैया चलो चलो गाइस, क्रोकोडाइल देख के ही मुझे डर लगता है पता नहीं क्यों। हाँ सिनचैन सही बोला, गाइस मैं क्रोकोडाइल देख लूँ ना मेरी तो हालत ही खराब हो जाती है, पर यार मैं डरता नहीं हूँ कभी भी। वैसे गाइस यहाँ पे लास्ट टाइम देखा गया था क्रोकोडाइल, और आप सभी को बता दूं पूरे आसपास में मात्रम एक ही घर है, यही एक लौता घर है। सिनचैन मुझे लगता है ना क्रोकोडाइल गए होंगे तो यही गए होंगे और आसपास में कोई घर भी नहीं है, क्या बोलता है अंदर जाएं और देखें क्रोकोडाइल है या नहीं है यार। फ्रैंकलिन भैया चलो एक बार,
गाइज हमें चेक करना चाहिए क्या यहाँ पे क्रोकोडाइल है या नहीं। अगर नहीं होंगे तो बहुत अच्छा, और होंगे तो फ्रैंकल भी वापस आपको ही पकड़ना पड़ेगा उन दोनों को। हाँ सिंचैन, मैं पकड़ लूंगा। और गाइज फिलहाल क्रोकोडाइल आसपास में नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं तो ट्रक से नीचे नहीं उतरने वाला। अरे यार हमारे स्विमिंग पूल में बड़ी दिक्कत हो गई है, तो क्रोकोडाइल को पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। गाइस मैंने सुना कि क्रोकोडाइल हमारे स्विमिंग पूल में, मतलब उनके स्विमिंग पूल में। वेट, मुझे जाके देखना ही पड़ेगा। सिंचैन ये देख, तीन तीन क्रोकोडाइल, वो भी बहुत बड़े बड़े। फ्रैंकल भी तीन क्रोकोडाइल, वो भी पानी में। भाई साहब मैं तो दूर ही रहूंगा। अरे यार ये क्या हो गया, हमारे स्विमिंग पूल में ये कहाँ से आ गए, बहुत बेकार लग रहा है मुझे ये। सिंचैन ये क्रोकोडाइल्स हैं, और सुनिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जाता हूँ अंदर और इन क्रोकोडाइल्स को बाहर निकालता हूँ। गाइस वापस से मुझे करना पड़ेगा इन क्रोकोडाइल से फाइट, लेकिन हाँ मैं तैयार हूँ, और इस बार तुम सब बचने वाले नहीं हो, इस बार तुम सबके मैं दांत तोड़ दूंगा। और भाई आप हो कौन, इतने पावरफुल हो आप, और आप स्विमिंग पूल के अंदर मत जाओ, ये काफी डेंजरस हो सकता है आपके लिए। मैं आप सभी को बता दूं, इन क्रोकोडाइल्स को मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पंच ले, और ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए। वेट वेट वेट, थोड़ा आराम से। लेकिन कहाँ गए कहाँ गए, अरे मेरे पीछे ये तो। अबे भाग 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 फ्रैंकलिन भाग, ये तो मेरे पीछे पड़ गए बिल्कुल। फ्रैंकलिन भी आप इतना टेंशन मत लो, एक बार आपने इनको हैंडल किया था ना, आप वापस हैंडल कर लोगे। गाइस मैंने देखा है फ्रैंकलिन भी काफी ज्यादा स्मार्ट और काफी ज्यादा ब्रेव है यार। अब सामने से आओ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन गाइस ये लोग तो बार बार मेरे पीछे आ जा रहे हैं, और लिटरली मैं इस बार तो नहीं बचने वाले। ले और एक और मुक्का ले, और ये भी ले, और तू भी ले, तेरे दांत तोड़ दूंगा, और ये तेरे दांत भी गए। गाइस अभी फिलहाल ये तीनों ना बेहोश हो गए। चलो ठीक है, अभी फटाफट से ना इनको बाहर निकाल के अपने इस टैंक में रखते हैं, और लिटरली में इनको यहाँ से लेके फटाफट निकलते हैं, वरना गाइस ये लोग वापस से होश में आ जाएंगे, फिर तो हम लोग गए यार। हाँ फ्रैंक भी सही बात है, ऊपर से टैंकर अनलॉक कर देना। हाँ सिंचैन मैं कर देता हूँ, फ्रैंक भी आप नीचे जाओ मैं कर देता हूँ। ठीक है गाइस, अभी चॉप और सिंचैन में मिलके ना हम तीनों ने ना इन तीनों को इसके अंदर डाल दिया। गाइस अभी हमारे टैंक में टोटल 5 क्रोकोडाइल हैं, और हाँ ये पूरा क्रोकोडाइल से भर चुका है। सिंचैन अभी हमारा एक और काम है, इन क्रोकोडाइल्स को यहाँ लॉस सैंटोस से बहुत दूर जहाँ पे क्रोकोडाइल रहते हैं वहीं पे छोड़ के आना होगा यार। अरे कितने अच्छे हैं आप लोग, आप तो बहुत काम करते हो, थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन सर। कोई बात नहीं, आप लोग जरूर आइएगा हमारे जू में। गाइस आप लोगों को तो पता ही है हमारा जू है, और इसलिए मेरे को ये सब पता है क्रोकोडाइल को कैसे पकड़ते हैं, बाकी सभी जानवरों को कैसे पकड़ते हैं यार। फ्रैंकल भैया ये तो काफी अच्छी नॉलेज है, गाइस आपको तो पता ही है। फ्रैंकल भैया आप स्नेक पकड़ लोगे? सिंचैन एंड चॉप, स्नेक तो और भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लिटरली गाइस स्नेक्स ने एक बार बाइट कर दी ना तो हमारे पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, इसीलिए हमें उनसे दूर रहना चाहिए। नहीं नहीं सिंचैन, स्नेक को मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं यार। फ्रैंकल भी है, जब मैं छोटा था ना पूरे 10-15 स्नेक को अपने गले में लेके घूमता था। हाँ अभी तो फिलहाल तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। गाइस अभी भी मेरे घुटने तक आता है और बोलता है छोटा था। ये देखो गाइस मैं लॉस सैंटोस से ना बहुत ज्यादा दूर एक झील में आ गया हूँ, और ये झील ना पूरी तरह बहुत दूर है, और मैं सोच रहा हूँ ये सारे क्रोकोडाइल्स इसी के अंदर डाल दूँ, और ये लोग आराम से यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे ठंडा पानी भी है और बहुत कुछ भी है। सिंचैन क्या बोलता है, यहीं पे इन सभी को छोड़ दूँ क्या? हाँ फ्रैंकल भी है, और गाइस ये एक रिवर से कनेक्टेड भी है तो फ्रेश पानी तो डेली आते रहता है यहाँ पर। ठीक है अभी फटाफट ना इन सभी को बाहर निकालता हूँ, और उसके बाद वेट गाइस अभी मैंने ना इन सभी क्रोकोडाइल्स को बाहर निकाल दिया, और लिटरली में ये सारे मेरे फ्रेंड्स बन गए। ये लोग बोल रहे हैं कि आपने इनकी हेल्प करी और इन सभी को मैंने इन रिवर में छोड़ दिया। गाइस ये सारे क्रोकोडाइल अपने फैमिली से वापस मिल गए, और इसलिए ये बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ सिंचैन एंड गाइस अब तो ये हमें काट भी नहीं रहे। गाइस यार ये सब ना गलती से लॉस सैंटोस में चले गए थे, कोई बात नहीं गाइस, इन्होंने ना किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, और ये लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन गाइस ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हैं,
इसीलिए इनसे दूर रहना चाहिए। और गाइस आप लोग ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, मिलते हैं बाद में, बाय गाइस।